नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, और वह टॉपिक है हमारा पसलियों में दर्द। यानी कि अगर आपको रिब मसल पेन स्टार्ट हुआ है या फिर आपको काफी टाइम हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है ये किस वजह से है और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि जो आपकी पसलियों में दर्द या रिब मसल पेन होता है वो किस वजह से होता है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सके, और उसके लिए हम क्या एक्सरसाइज करके इसको घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिब मसल पेन के बारे में, यानी कि आपकी जो पसलियों में जो दर्द होता है उसके बारे में। अगर मेडिकल टर्म में इसकी बात की जाए तो इसे इंटरकोस्टल मसल स्ट्रेन भी बोला जाता है। यानी कि आपकी जो पसलियां होती हैं उनके बीच में जो मांसपेशियां हैं, अगर उनमें आपको दर्द शुरू हुआ है या फिर आपको लगता है लगातार कई दिनों से आपको यह दर्द महसूस हो रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है और इसके लिए हम क्या इलाज इसका कर सकते हैं। तो यह जो मसल का पेन आपको होता है उसके रीजंस होते हैं कि यह दर्द हमें बहुत ज्यादा एथलीट में दिखाई देता है, यानी कि जो एथलीट होते हैं उनको यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ ही जिनका पोस्चर पुअर होता है, यानी कि अगर आप रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, आप ऑफिस में काफी लंबे समय तक बैठे रहते हैं, सिस्टम के ऊपर आप काम करते हैं, आप अपने बैक के अपने नेक के पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी आपको इस तरह की समस्या आ सकती है। तो चलिए अब इसके बारे में ब्रीफली बात करते हैं, थोड़ा डीपली समझते हैं कि यह किस तरीके से आपको होती है। तो आप अज्यूम करिए कि आप सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं और आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी नेक को इस तरह से फॉरवर्ड कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन होता है नेक फॉरवर्ड करने की वजह से आपका क्या होता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। आपकी जो नेक का कर्वेचर है वह भी चेंज हो जाता है, उसकी वजह से आपको नेक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस, आपको दर्द, अकड़न इस तरह का महसूस होता है। और जब यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कई लोगों को यह समस्या इतनी बढ़ने के कारण उनको चक्कर भी महसूस होते हैं, नोजिया जैसा भी उनको फील होता है। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट रॉन्ग पोस्चर। सेकंड, हम क्या करते हैं, जब हम बैठते हैं शोल्डर को थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो इस तरह करने से, कंटिन्यू यही पोस्चर रहने से, तो क्या होता है आपके राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं। तो राउंडेड शोल्डर होने की वजह से क्या होता है, जो आपकी आगे की मसल्स होती है उनमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस और टाइटनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पोस्चर भी खराब हो जाता है। तो आप इस तरीके से बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको क्या होती है, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी आपकी क्या होती है, कंटिन्यू स्ट्रेस में रहती है और वो इतनी ज्यादा स्पाज्मोटिक मोड में चली जाती है कि उनमें इतनी ज्यादा टाइटनेस आ जाती है कि जब आप अपने पोस्चर को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे या फिर आप इस तरह से सिटिंग में वापस आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन और इतना डिस्कम्फर्ट महसूस होगा कि आप इस तरीके से फिर बैठ नहीं पाएंगे। अब उस पेन की वजह से आप क्या करते हैं, धीरे धीरे फिर आपकी बॉडी उसी पोस्चर को अडॉप्ट कर लेती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि रॉन्ग पोस्चर में बैठने से यह प्रॉब्लम कैसे आती है। इसका थर्ड रीजन होता है कि अगर आपके रिब मसल्स में कोई इंजरी हो जाए, यानी कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ हो या सडन फॉल हुआ हो, किसी भी तरीके से आपकी ये रिब मसल्स इंजर्ड हुई हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये पेन आ सकता है, आपको स्टिफनेस और इसके साथ साथ आपको डिस्कम्फर्ट, यह सब प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब बात करते हैं कि अगर रिब मसल्स में आपका पेन हुआ है तो उसमें किस तरह के सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो आप समझिए कि अगर आपकी रिब में मसल्स में पेन है, यानी कि जो आपकी पसलियों में मांसपेशियां हैं उनमें दर्द रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। यह कॉमन सी बात है, आप समझ पाएंगे, जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपका डायफ्राम अप एंड डाउन इस तरह से पोजीशन में काम करता है। लेकिन अगर मांसपेशियों में हमेशा स्ट्रेस रहेगा या फिर पेन होगा, तो फिर क्या होगा, आप ब्रीथिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ट्राई भी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फिर पेन होगा। इसके साथ साथ इस तरह के पेशेंट में हमें स्वेलिंग देखने को भी मिलती है, क्योंकि मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप स्वेलिंग विजिबल देख पाएंगे इस तरह के पेशेंट्स में। इसके साथ साथ अगर आप पालपेट करेंगे, यानी कि ट्राई करेंगे कि किस जगह टीयर है ये फाइंड करने की, तो जैसे जैसे आप पालपेट करेंगे जहां टीयर है वहां पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा, एक्सट्रीम लेवल का उसको पेन महसूस होगा, यानी कि टच करने पर भी उनको बहुत ज्यादा सिवियर पेन होगा। तो इस तरह के लक्षण पेशेंट को देखने को मिलते हैं, स्वेलिंग भी मिलेगी आपको, पेन का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा, और वह आपको यह प्रॉब्लम भी बताएंगे कि जो डेली की एक्टिविटी है वह नहीं कर पा रहे हैं, और उनका जो साइड टर्न से जैसे सोते हैं या फिर वो सीधा लेट कर सोते हैं, यह भी उनके लिए काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि
क्योंकि मसल्स में स्ट्रेस रहने की वजह से, टाइटनेस होने की वजह से, जैसे ही वो प्रॉपर सीधा लेटते हैं तो इनके ऊपर स्ट्रेच पड़ता है, और स्ट्रेच पड़ने से क्या होता है, फिर आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा। तो यह सारी प्रॉब्लम पेशेंट धीरे धीरे फेस करता है। अगर आपको अभी स्टार्ट हुआ है तो तुरंत आप इसके लिए अलर्ट हो जाइए, डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करिए, अपना फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराइए और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपके पेन का लेवल भी इतना ज्यादा हाई हो जाएगा, फिर उसको ट्रीटमेंट, उसकी रिकवरी करने पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए अब मेन बात पर आते हैं, यानी कि इसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या इसका घर बैठे ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि रिसेंट आपको एक दो दिन हुए हैं, तो उसमें आप बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा पुराना है तो फिर आपको उसमें गर्म सिकाई करनी चाहिए। लेकिन यह सब करने से पहले एक बार आपको डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि इसके लिए आप किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट आपको अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस, IFT इस तरह की मॉडलिटी का यूज करते हैं, जिससे आपके पेन का लेवल भी कम होता है और उसके साथ साथ जो आपकी स्वेलिंग है उसमें भी आपको काफी हद तक आराम मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। इसमें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिन्हें करके आप रिब मसल्स का जो पेन है उसको कम कर सकते हैं। सबसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है साइड टर्न, यानी कि आपकी जो फ्रंट की मसल्स हैं ये बहुत ज्यादा टाइट है। अब आपको क्या करना है, इनको थोड़ा स्ट्रेच करना है जिससे कि ये वापस अपनी उसी पोजिशन में आ सके, आपको थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आप आ सके, आपका सिटिंग स्टैंडिंग ये आपके लिए काफी कंफर्ट हो पाए। तो इसमें आपको क्या करना है, आप प्रॉपर बैठ जाइए तरीके से, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी बैक भी पूरा सपोर्टेड होनी चाहिए जिससे कि आप आराम से इन एक्सरसाइज को कर पाए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं देना है, बहुत माइल्ड तरीके से आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और इसका होल पीरियड भी आप स्टार्टिंग में 5 सेकेंड ही रखिए। जब आपको लगे कि अब आपका पेन थोड़ा कम हो गया है, अब आपके लिए ब्रीथिंग करना ये सब काफी कंफर्टेबल हो गया है, तो फिर आप इसका होल पीरियड बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको खड़े होके या बैठ के दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आपका यानी कि ये जो वेस्ट से ऊपर वाला हिस्सा है ये आपको टर्न करना है, इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है और 5 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है। 1, 2, 3, 4, 5 आप फील करेंगे कि आपको इस एरिया में माइल्ड स्ट्रेच फील होगा। जहां आपको लगे कि स्ट्रेच आना स्टार्ट हो गया है वहीं आपको रुक जाना है, बहुत ज्यादा आपको खींचातानी नहीं करनी है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी करेंगे, आपको यहाँ भी स्ट्रेच फील होगा। तो इस तरीके से आपको पहले थोड़ा वार्म अप करना है ये एक्सरसाइज करके, फिर उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। यानी कि पेशेंट को अब क्या हो रहा है, डीप ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मसल्स जो पहले वर्क करती थी इस तरह का वर्क वो अब नहीं कर पा रही है, तो आपको उन मसल्स को खोलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलिए डीप ब्रीथ करें, आपको सांस को खींचना है, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलीज। तो इस तरीके से ये आपको बार बार डीप ब्रीदिंग करनी है। आप स्टार्टिंग में 5 to 10 times करिए, जब आप रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाएं, तो फिर आप इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ ही आप इसका होल्ड पीरियड भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं, आपको डीप ब्रीथ करनी है, ब्रीद इन करनी है, 5 सेकेंड का होल्ड करना है और ब्रीथ आउट कर देना है। तो ये हो गई आपकी दो एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने हाथों को पीछे रखना है सर के, और फिर अपने हाथों को जितना पॉसिबल हो पाए आप पीछे की तरफ ले जाए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। तो ये सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज में आपको इनका ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। जब आप हाथों को पीछे की तरफ ले जाए, जहां आपका माइल्ड स्ट्रेच आना स्टार्ट हो जाए, वहीं आपको रुक जाना है। और जैसे जैसे आप इन एक्सरसाइज को करने के बाद आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट कर ले, तो फिर आप 10 सेकेंड का होल्ड पीरियड करके और स्ट्रेच को भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो यह सिंपल सी एक्सरसाइज है जिन्हें फॉलो करके आप रिब मसल पेन, इंटरकोस्टल मसल पेन इन्हें ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लंबे समय से यह दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करके अपना फिजियोथेरेपी सेशन लेने के बाद फिर इन एक्सरसाइज को आप फॉलो करें। इनसे आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा, आपकी मसल्स के ऊपर जो टाइटनेस है वह भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जिन भी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वह इससे छुटकारा पा सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।